Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पापा, इतने का खड़े हो आप? आज आप नाश्ता दे पाएंगे कि ना? दो यहाँ थे बाप के छत्ते साथ नहीं है, डिमांड ने पेल रहा है, दे रही ना? मम्मी तो हमें बिना नाश्ते के कभी जाने ही नहीं देती थी। चुप कर, ज्यादा मम्मी से तुलना ना करो, करे ये तो ज्यादा हाथ नहीं है, ला रही है। मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं है जगह, चुप रहे। देखा कट्टो, ये तुम्हारी वजह से अपू की क्या हालत हो गई है। हमारी वजह से ना, हम क्या करें, पत्नी के कर्मों का फल पति को भोगना पड़ता है। हाँ, वो तो अभी तक भुगत ही रहा हूँ मैं। का पापा, अपने इसके बाल तोड़ दिए, देखो। लियो बापू। हाँ, मेरा नाश्ता कहाँ है, पेट में चूहे कूद रहे। तो जो, अरे तुम आओ, ले आ रहे, ले आ रहे, तुम हमारा खोपड़ी चाट लो, हमारी ले आ रही। ओए, तुम मेरा बैग ना लेके आओ, बोरा उधर लेके आओ। चल चल। लियो पेलो। बापू, यो एक पराठा सा, इससे क्या होगा मेरा, मन्ना चार पांच लगते से। अरे बेटा, कमों कमों कम खा के भी गुजारू करी करी ना। पापा, हाँ, टिफिन भी दे दे, देर रह रही है, फिर मास्टर जी चिल्लाएंगे। ये ऐसे कह रहे हो, देर हो रही है, जैसा जल्दी जाके स्कूल में बड़ो कछु उखाड़ लेगो। सारे चाय जितनो जल्दी जा, नंबर उतना ही आने, नीले बट्टी सन्नाटा। नहीं, आज आप बिना टिफिन लिए नहीं जाएंगे। तो पराठे इतने कड़क कड़क क्यों है? ओ कट्टो रानी, कम से कम हप्पू की मदद ही कर दो। तुम चुप रहो जी, चाय पीने तो इतनी मुश्किल से पी रहे हैं, अदरक भी ना है वो। अब अपने अपने उठा लियो। पापा, टिफिन में क्या है? घुइया है, हमें पसंद नहीं है। यही से बामे घुइया नहीं है, बामे रखो है 50 को नोट, तो बाहर जाइयो अपने मन मन को खा लाइयो। वाह, फिर तो आज तो पार्टी होगी, पार्टी। यस, और का। पापा, आज से ना ये टिफिन विफिन कछु बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस 50 रुपए दे दियो, हम बामे खुश है जाएंगे। सारे एहसान कर रहे खाके। खाना बना के रखियो दोपहर में। हाँ, बढ़िया सा। हाँ, एहसान कर रही ना स्कूल जाके। कसम से यार, जाने कैसे झेलती है इनकी मम्मी, बताओ अम्मा। जैसे हम तेरी लुगाई को झेलते हैं। तुझे बता कि खानों का पका रहा होगा, तेरा तो उपवास है ना आज। अरे तुम तो रहम करो यार ना, खाना का बनाएगो, उपवास ना हम आओ। बहनी यार, रज्जू का गई घर से, हम आओ हाज में ही ले गई, कछु का भाई ना रो। सही कह रहे हो मुलार, बग्गू को बिना तो हमारा भी एकदम खाना पीना सब एकदम गायब ही हो गया समझ लो। लेकिन हमारे साथ उल्टू बहनी, जब जब हमें टेंशन होती है ना, हम हाजमत दुगनू हो जातू है, मन करतू है घूप गाय घूप गाय, फिर याद आती है तो फिर कछु न खब तू। अब बता बहनी, मजबूरी ऐसी आ गई है कि जो तलो भाव खाने पड़ रहा हूँ। बात तो सही कह रहे चोंगुलाल, मैं तो बीवियां जब नहीं रहती ना घर में, तो एक अजीब सी शांति सी फैली रहती है पूरे घर में। बहनी भैया, कहीं तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं? यार सुनो, तुम ना चुपचाप पूरियां तलते रहो, ज्यादा बातें तलने की जरूरत नहीं ना। रज्जू जो बती ना, घर में सब पता चल, का चल लो का ना चल लो, अबे तो घर की खबरें ही ना मिलती हैं। सही बात कर रहे हो यार चोमूलाद। मतलब का है कि जब बग्गू घर में होती थी ना यार, हम उसके सर की मालिश जो है सुबह सुबह, अब क्या करे, रात में सोने से पहले किया करते थे। अब जो है एक हाथ में तेल की शीशी लिए सड़क के ओर देखते हुए खड़े रहते हैं। बेनी, जब रज्जू हती ना, सारू नोनो ठैयान को क्या ख्याल रखती यार, सब बच्चन को टिफिन बनाती थी, काम करती थी, कपड़ा धोती थी, लत्ता धोती, हमने कदर ना करी यार। सही कह रहे हो यार, मतलब जब बग्गू होती थी ना, तो हम भी जो है ना साथ में, हम ही खाना बनाते थे, उसे तो खाना बनाने देते नहीं थे। तो खाना बनाते रहते तो बाजू में खड़ी होके बोलती थी, नहीं नहीं इसमें थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा हल्दी डालो, मजा आ जाता था यार। मजा ही तो चलोगे दादा। यार को रज्जू को वापस ले आओ,
आमदना रह जाएगी। जैसे हम लोग ना बगैर रात में गटकाए सो नहीं सकते चैन से, नहीं नहीं, ठीक वैसे ही चुंगुला क्या है ना, वो बहुत हानिकारक होती है अगर पास में है, और अगर दूर है हमारे पास नहीं है तो बेचैनी सी महसूस होती है। हमें ऐसा लग रहा तू बीवियन पे निबंध लिख देगू दादा, इनको नशा ना उतर दो। तो नाश्ता तो खत्म कर लो पहले। अरे हमसे गले की नीचे उतरना दो। अच्छा गले से नहीं उतर रहा हूँ, इतनी देर में 10 पेल चुके हो, 2 और पेल लो। यार गले से नहीं उतर रहा हूँ। रज्जू देखो हम क्या कह रहे, तुम घर चले हो यार, कसम से कह रहे घर में एकदम सुनो सुनो लग रहो। हाँ बग्गू भले तुम बातचीत मत करो, कुछ बोलो बालो मत, लेकिन घर चलो तुम्हारे बगैर घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, खाली खाली लग रहा एकदम से। ये इमोशनली गोली कहीं और देना, नहीं आना मुझे। नहीं तुम्हें कहाँ लग गया कि हमारे पापा की इतनी बेइज्जती भई है, वो सब हम भूल गए हैं, हमें सब याद है। तो को कह रहो भूल जाओ, गांठ बांध लियो ना सब, लेकिन हम सीधो सीधो जो कहना है, जो भी लड़ने हैं झगड़ने हैं, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में इतने से चलो, बैग लगाओ, तुम बैग लगाओ। नहीं कौन सा घर, अपने मन से हम ना आए हैं, तुम्हारी अम्मा ने हमें खुद निकारो है, आई बात समझ में। तुम कब से इतनो अम्मा को कहनू मानन लगी, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे हम ना हाथी होते पे हम खड़े थे। तुम्हारी इतनी चलता ही कहाँ है, अगर तुम्हारी इतनी चलती ना तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सामने हमारे पापा की इतनी बेइज्जती ना करते। अरे सुनो लल्ला, देखो बेटा समधन जी का नाराज होना ना एकदम जायज है, तो तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। अरे मैं जो है अपने गुर्दे बेच के 15 लाख का इंतजाम करूंगा। कैसी बात है कर? नहीं नहीं ससुर जी आपके गुर्दे नहीं बिकेंगे। अरे वाह देखा मेरा दमान मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे मुझे गुर्दे बेचने नहीं दे रहे, लव यू दमान जी। नहीं नहीं प्यार और सम्मान तो है वो अलग बात है, लेकिन क्या है ना कि आपके गुर्दे बिकेंगे नहीं, कहे कि आप मतलब पानी की तरह देखिए अभी भी पी रहे, मतलब तो आपके गुर्दे लीवर किडनी कलेजा ये सब जो है एकदम पानी पानी हो गया, पानी का भाव नहीं मिलेगा इसमें। तुम्हारा बस चले ना तो अम्मा और तुम मेरे पापा के है ना हड्डी पसली तक भेज दो। सुनो तुम इसे कह रही है, एक बात कान खोल के सुन लो, जॉन घर में हमारे पापा की इतनी बेइज्जती भई है ना, वो घर को हम पानी तक नहीं पिए। अरे लल्ला लल्ला गुस्सा थूक दो बेटा, मुझे मुझे अपमान सहने की आदत है, मेरी बेइज्जती होती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।